हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड, स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल? आर यू फीलिंग गुड? ओके, वेरी नाइस. सो स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट आवर टुडेज वर्कशीट. सो फॉर दैट स्टूडेंट्स, लेट्स ओपन योर इंग्लिश कोर्स बुक. एंड एज वेल एज यू ऑल नो, चैप्टर 5 इज गोइंग ऑन. And the chapter name is The King's Condition. Okay? The exercises are going on of this chapter. So students, now today I am here with a new topic. And the page number you have today 66. Page number 66. So dear all, open your book and take out the page number 66. And it's time to move the today's topic, which is about building blocks. ठीक है, building blocks. Start now. Action words. The first topic is action words. So let's come to see what are the action words. Have you listened ever about this action words name? Okay. So we will read and learn today. Start. Action words tell you what a person is doing, like run, jump, play, sit, dance, walk, hop are all action words. Students, do you remember about parts of speech? There are 8 parts of speech, like your first noun, second pronoun, third adjective, fourth you have noun, fourth you have verb. ठीक है, noun, pronoun, adjective, verb. So students, verb is also called an action word. Verb जो है ना, उसको भी हम action word ही कहते हैं, action word call करते हैं. Action words tell you what a person is doing. Action word हमें बताता है what a person is doing, कि जो sentence में जो person है, जो personality है, वो क्या कर रहा है. एक्शन वर्ड हमें बताता है दैट अ पर्सन इज डूइंग विच टाइप ऑफ वर्क और व्हाट टाइप ऑफ वर्क. ठीक है, लाइक रन, इफ यू हैव एनी सेंटेंस एंड देयर इज रिटन अबाउट रोहन रन्स. रोहन क्या कर रहे हैं? द रोहन इज डूइंग व्हाट? रनिंग वर्क ना, जंप. सीता इज जंपिंग, और सीता जंप्स. सीता क्या कर रही हैं? जंपिंग करने का काम कर रही हैं, जंप करने का काम कर रही हैं. ठीक है, एक्शन कौन सा हो रहा है? जंप का. ऐसे ही आपका नेक्स्ट है प्ले, मीन्स प्ले करना, सीट करना, बैठना, डांस करना, इट्स ऑल्सो एक्शन वर्ड. वॉकिंग, मूव करना, चलना, हॉप, ओके, आर ऑल एक्शन वर्ड्स. ओके स्टूडेंट्स, सो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो आपके एक्शन वर्ड हैं. इसमें पर्सन जो है वो क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं. कैन यू स्पॉट द एक्शन वर्ड्स इन दिस सेंटेंसेस? कैन यू स्पॉट? क्या आप इन, यहाँ पे देखिए कुछ सेंटेंसेस हैं, यहाँ पे है कि क्या आप इन सारे सेंटेंसेस में एक्शन वर्ड को स्पॉट कर सकते हैं? येस, ऑल द एक्शन वर्ड्स आर हाईलाइटेड ऑल्सो विद द रेड कलर और विद रेड. ये देखिए, द किंग ब्यूल्स, व्हाट इज द एक्शन वर्ड इन दिस? ब्यूल्स, अ न्यू पैलेस. किंग जो है वो एक न्यू पैलेस बनाता है. द पुलिसमैन रन्स टू द रेस्क्यू, पुलिसमैन जो है वो रेस्क्यू की तरफ रन करता है. द गर्ल प्लेस, व्हाट इज द एक्शन वर्ड? प्लेस, एक्शन वर्ड इन सेकेंड रन्स. द चाइल्ड किक्स, किक्स एक्शन वर्ड. द बॉय सिंग्स, ओके, व्हाट डज द बॉय डू? बॉय सिंग्स. द डॉग वैक्स द डॉग वैक्स इट टेल. ठीक है, डॉग क्या कर रहा है? अपने टेल को वैक कर रहा है. यहाँ देखिए, येस, एक्शन वर्ड्स टेल यू व्हाट द पर्सन आर सब्जेक्ट डज आर डूइंग. येस, एक्शन वर्ड जो है ये बताते हैं कि
जो पर्सन है या जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में वो क्या करता है, आइदर क्या कर रहा है, कौन सा वर्क कर रहा है, दैट्स कॉल एक्शन वर्ड, इट्स कॉल वर्ब ऑल्सो. सो आफ्टर दैट वी हैव एक्सरसाइज, लेट्स ट्राई एट. ठीक है, चलिए देखते हैं इसको. कैन यू थिंक ऑफ एन एक्शन वर्ड फॉर ईच ऑफ दिस पिक्चर्स, राइट इट बिलो द पिक्चर. क्या आप इन सारे एक्शन वर्ड जो कि यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं उनके लिए आप एक्शन वर्ड थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं, राइट इट बिलो द पिक्चर. चलिए इन सारे पिक्चर्स के अकॉर्डिंग एक्शन वर्ड राइट करें. ठीक है, बिलो टू दिस पिक्चर्स, स्टार्ट नाउ. स्टेंस इन द फर्स्ट पिक्चर देयर इज अ गर्ल, ओके, एंड व्हाट इज शी डूइंग, व्हाट इज शी डूइंग, क्या कर रही है ये, स्किप कर रही है. ठीक है, स्किप कर रही है, रस्सी कूदना जिसको बोलते हैं, तो ये हो जाएगा एक्शन वर्ड स्किप. ठीक है, स्किप. एंड नेक्स्ट देयर इज अ बॉय एंड दैट बॉय इज जंपिंग, मींस एक्शन वर्ड क्या है, जंप. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये आपका सेकेंड हो जाएगा जंप. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देयर इज अ गर्ल एंड सी साइकिलिंग, क्या कर रही है, साइकिलिंग कर रही है ना, तो ये हो जाएगा साइकिल. ठीक है, नेक्स्ट दिस बॉय हैज़ अ बुक, मीन्स दिस बॉय इज रीडिंग अ बुक, सो एक्शन वर्ड आपका होगा यहाँ पे रीड. ठीक है, रीड कर रहे हैं. नेक्स्ट देयर इज गोइंग वॉक ऑफ स्विमिंग, स्विमिंग का वर्क हो रहा है ना, ये हो जाएगा स्विम. नेक्स्ट है येस दिस मैन हैज़ वॉलन, ओके, एंड ही इज वॉट सिंगिंग एंड प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, ये हो जाएगा सिंग. ठीक है, सिंगिंग कर रहे हैं. नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे बॉय है, इनके हैंड में देखिए बॉल है, मीन्स ही जस्ट गोइंग टू प्ले आर प्लेइंग, ये हो जाएगा एक्शन वर्ड प्ले. ओके, एंड देयर इज अ गर्ल शी इज क्राइंग, देखिए क्राइंग कर रही है ना, वीपिंग कर रही है, तो ये एक्शन वर्ड हो जाएगा क्राई. कौन सा वर्क हो रहा है, क्राइंग वर्क हो रहा है. ठीक है, प्लेइंग वर्क हो रहा है, सिंगिंग वर्क हो रहा है, स्विमिंग हो रहा है, स्किपिंग हो रही है, जंपिंग, साइकिल एंड रीडिंग. सो दिस ऑल आर द एक्शन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू दीज पिक्चर्स. ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीटेड, हैव यू अंडरस्टूड, आई थिंक ऑल अंडरस्टैंडिंग. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर, मीन्स पेज नंबर 67. मूव देयर. ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव सम मोर थिंग्स अबाउट एक्शन वर्ड्स. एक्शन वर्ड्स चेंज व्हेन वी स्पीक ऑफ अदर पीपल. ठीक है, एक्शन वर्ड चेंज हो जाते हैं जब हम, व्हेन वी स्पीक ऑफ अदर पीपल, जब हम दूसरों की बातों को स्पीक करते हैं, बोलते हैं, एक्शन वर्ड आपके चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू हैव वी से आई प्ले, सपोज दैट इफ यू से वी मीन्स आई प्ले, मीन्स मैं खेलता हूँ, बट ही प्लेज. और अगर वही सेंटेंस कोई नेक्स्ट पर्सन बोलेगा, नेक्स्ट पर्सन स्पीक करेगा अबाउट यू, तो हो जाएगा ही प्लेज. देन दैट पर्सन विल से अबाउट यू ही प्लेज. वी से मीन्स हम कहते हैं वी रन, ओके वी रन. और इफ इट विल यूज द नेक्स्ट पर्सन दिस सेंटेंस, तो वो क्या बोलेंगे, शी रन्स, बोलेंगे शी रन, शी विल स्पीक शी रन्स. हैव अ लुक एट दिस टेबल, हैव अ लुक एट दिस टेबल मीन्स देयर इज अ टेबल. सो लेट्स कम टू लर्न हियर. आई सिंग फॉर द अदर पीपल, देयर विल बी वी सिंग. नेक्स्ट यू सिंग एंड फॉर द अदर पीपल विल बी यू सिंग. ही शी इट सिंग्स, ही सी इट सिंग्स, एंड इन द प्लूरल फॉर्म देयर विल बी दे सिंग. ठीक है, ही सी इट सिंग्स, सेकेंड दे सिंग. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ आफ्टर दिस वी हैव एक्सरसाइज विच इज लेट्स ट्राई 9. सो लेट्स कम टू कंप्लीट. अंडरलाइन द एक्शन वर्ड इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेज, वन इज डन फॉर यू.
underline the external word in each of the sentences. Students, there are given the sentences. Okay, आपको क्या करना है? You have to underline these all the action words which are added in these sentences. ठीक है, आप उन सारे action words को underline करेंगे जो कि इन sentences में add किए गए हैं, include किए गए हैं. So let's start doing work. First, I run to the park. मीन्स विच टाइप ऑफ वर्क इज गोइंग ऑन, कौन सा वर्क यहाँ पे हो रहा है बताइए मुझे. रनिंग वर्क हो रहा है ना. आई रन टू द पार्क मीन्स मैं पार्क में रनिंग करता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे रनिंग वर्क है. रन आपका हो जाएगा, रन आपका हो जाएगा यहाँ पे एक्शन वर्ड. ओके, सेकेंड सी ड्रिंक्स मिल्क, सो ड्रिंक विल बी योर एक्शन वर्ड. सेकेंड ही ड्राइव्स अ कार, सो ड्राइव्स विल बी एक्शन वर्ड. हियर वी विल अंडरलाइन टू दिस ऑल. नेक्स्ट ही वॉक्स टू द बस स्टॉप, सो वॉक्स विल बी योर अंडरलाइन. देन वी ईट केक्स, ईट विल बी अंडरलाइन बिकॉज इट्स दिस ऑल आर योर एक्शन वर्ड. द लायन रोर्स लाउडली, सो रोर्स इज एक्शन वर्ड. हियर डूइंग वर्क, रोर्स रोलिंग इज गोइंग ऑन, सो रोर आपका यहाँ पे एक्शन वर्ड है. द किंग सिट्स ऑन द थ्रोन, सो सिट्स इज वर्ड एक्शन वर्ड, अंडरलाइन दिस. And in 8, flies, action word is this, underline this. They are butterfly, okay. Flutters will be underline. And second, the water gushes from the tap. So gushes will be your action words here. Okay, students. So these all are the. Okay, students. So run. Drinks, drives, walk, eat, roars, seat, flies, and flutters and gusses. These all are the action words which you have to underline in these sentences. So let's underline these action words in your or in this exercise. Okay, and next and remaining exercises we will complete next day. So till then, students, now thank you. Have a nice day.